हेलो एंड नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने घर को और खुद को मेंटेन कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है सोनिया और मैं बनाती हूँ इस चैनल पे वीडियोस जो सब आपके घर से और आप लोगों से जुड़ी हैं। आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि जो किचन के काउंटर टॉप है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है आपके किचन का, उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए आप लोगों को कौन कौन से ऑर्गेनाइजर्स को परचेज करना चाहिए, कैसे आप छोटी सी जगह में अपने किचन में बहुत सारा सामान रख सकते हैं और उसके बाद आपका जो किचन है वो बिल्कुल फंक्शनल हो जाएगा, बिल्कुल भी आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि जब प्रॉपरली चीजें ऑर्गेनाइज रहती हैं तो हम अपना बहुत सारा टाइम सेव कर पाते हैं। आगे आने वाली वीडियोस की अपडेट के लिए आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कीजिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग से वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला प्रोडक्ट जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है ये सिंपल सा स्टर्डी सा बिल्कुल मेटल का बास्केट। ये उन लोगों के लिए तो बहुत ही यूज़फुल है जिनके किचन में बहुत ही कम जगह रहती है, काउंटर टॉप पे इतनी जगह नहीं है, तो सामान को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए ये बास्केट बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि आप इसे अपने जो टाइल एरिया है उसके ऊपर स्टिक कर सकते हैं। मुझे इसका लुक भी काफ़ी अच्छा लगा और पिछले 15-20 दिनों से ना मैंने इसे यहाँ पे टाइल एरिया पे स्टिक करा हुआ है, ना ही इसका स्टिकर निकला और काफ़ी अच्छे से वेट बियर कर लेती है। तो ये वाला परचेज आप ज़रूर कर सकते हैं अगर आप अपने काउंटर टॉप पे जगह बचाना चाहते हैं और किचन को बिल्कुल ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं। यहाँ पे दो सेरेमिक जार हैं जिनके अंदर घी रखा हुआ है और उसका भी वेट ये आराम से बियर कर लेती हैं, तो मुझे ये वाला जो आइटम है वो काफ़ी अच्छा लगता है अपने किचन की स्पेस को सेव करने के लिए। दूसरा प्रोडक्ट जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपने काउंटर टॉप को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए, क्योंकि वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मसाले यूज़ करते हैं, तो आप इस तरीके की ना स्पाइस रैक को परचेज कर सकते हैं। बस इसके अंदर जो छोटी सी प्रॉब्लम मुझे लगती है वो ये है कि दोनों ही तरफ आपको जॉइंट्स मिल जाते हैं, तो ये लोहे की बनी होती हैं, तो जहाँ पे वेल्डिंग कर रखी होती है उस पोर्शन पे आपको ना जॉइंट्स मिल जाएंगे। तो जब भी आप इसे रखेंगे, चाहे अपसाइड डाउन करके रखते हैं, आप लोगों को उन जॉइंट्स की वजह से ये थोड़ा सा शेकी मिलेगा। अच्छी बात ये है कि इसके अंदर जो आपको होल दिए हुए हैं तो आप इन्हें वॉल के ऊपर हैंग कर सकते हैं और जो अपने किचन की स्पेस है उसे बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कुछ स्पाइसेस को मैं आपको यहाँ पे रख के दिखा रही हूँ कि अगर आपके भी कुछ ऐसे ही स्पाइस जार हैं जो कि आईकिया से परचेज करे हो या फिर आपने डी मार्ट से, इनकी शेप की वजह से इसके अंदर आप बहुत सारे स्पाइसेस नहीं रख सकते हैं, बट अगर आपके जो स्पाइसेस हैं वो रेक्टेंगुलर शेप के हैं या फिर बिल्कुल ही सर्कुलर शेप के हैं तो वो आराम से इसके अंदर फिट हो जाएंगे। इनकी जो शेप है वो थोड़ी ऐसी है कि इन्हें थोड़ी ज़्यादा ही जगह चाहिए, बाकी आप इस तरीके से स्पाइसेस को आराम से इसके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं अपने काउंटर टॉप की जगह को बचाने के लिए। और इसको मैं दूसरे तरीके से कैसे यूज़ कर रही हूँ आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने इसे यहाँ पे वॉल पे हैंग कर दिया है और इसके अंदर आप अपने डेली बेसिस पे जो सामान यूज़ करते हैं, जैसे कि आपके आलू हैं, प्याज है, लहसुन है, उन्हें आप इसके अंदर आराम से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो है ना बहुत ही अमेजिंग सा आइडिया, ना ही आपके काउंटर टॉप की स्पेस गई, ना ही आप इसे किचन के अंदर नीचे कहीं रखने वाले हैं। दूसरा ऑर्गेनाइज़र जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो कुछ इस तरीके के पैटर्न में आता है। ये गेट तरीके का पैटर्न बनाया होता है, तो गेट की तरह खुल जाता है और नीचे आपको इसके चार इस तरीके से पैर मिल जाते हैं, तो ये भी काफ़ी हैवी आइटम है और बहुत ही अच्छा आइटम है। दो इसके अंदर आपको शेल्फ मिल जाती हैं, तो आप इसके अंदर अपने किचन के काउंटर टॉप पर जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं उन्हें आराम से इसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करके अपने किचन काउंटर टॉप की स्पेस को ना बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसकी मुझे क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी और इसका जो डिज़ाइन है, पैटर्न है, वो भी बहुत ही एस्थेटिकली प्लीजिंग है। इसके अंदर आप लोग अपना टी एंड शुगर कंटेनर रख के एक छोटा सा ना टी स्टेशन सेटअप कर सकते हैं और जो भी आपके फेवरेट कप्स हों उन्हें इनके अंदर डिस्प्ले कर दीजिए। तो इस तरीके से आप लोगों के किचन के काउंटर टॉप के जो सामान डेली बेसिस पे आप यूज़ करते हैं आप उन्हें इनके अंदर ऑर्गेनाइज करके बहुत सारी जगह भी बचा सकते हैं और जो आपका सामान है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लगेगा इनके अंदर। उसके बाद आती हैं इस तरीके की टू टीयर मेटल रैक, तो ऊपर भी आपको इस तरीके के हैंडल मिल जाते हैं पकड़ने के लिए। और जो ये वाली जो रैक होती है उनकी खास बात ये है कि इनकी विड्थ इतनी ज़्यादा है कि आप इनके अंदर आराम से सामान रख सकते हैं बहुत सारा, मतलब इसके अंदर तो इतना सारा सामान आपके काउंटर टॉप का आ जाएगा जो भी आप डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ आइटम्स को रख के दिखा रही हूँ, आपकी ऑयल बॉटल हैं, आपकी स्पून एंड नाइफ हैं, आपकी फॉक्स हैं, उन सारी चीज़ों को आप जितनी भी चीज़ें रखना चाहेंगे ना सब कुछ इसके अंदर आ
आ जाएगा, जैसे कि टिश्यू पेपर, आपके ब्रेकफास्ट से रिलेटेड आइटम है, सॉस है, जैम है, चटनी है, इन सारी चीज़ों को मैंने इसके अंदर आराम से रख दिया और उसके बाद भी बहुत सारी जगह बच गई। तो ये वाला परचेज मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर आपके पास भी एक ऐसी किचन है जो काफ़ी छोटी है और बहुत सारा सामान रखना चाहते हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइज़र को परचेज करके आप अपने किचन के काउंटर टॉप को हमेशा ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो इसके अंदर आप अपने किचन के बहुत ही बेसिक जो सामान है डेली यूज़ के, उन्हें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। उसके बाद जो मेरा सबसे फेवरेट ऑर्गेनाइज़र है वो है ये प्लास्टिक की 3-tier रैक। इसे भी आप मल्टीपर्पस वे में यूज़ कर सकते हैं, अपने किचन में भी, वार्डरोब में भी, हर जगह आप यूज़ कर सकते हैं। बस इसका जो ड्रॉबैक है वो ये है कि ये प्लास्टिक की है, तो आप लोगों को इसके साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ता है। यहाँ पे आप अपने किचन में डेली काम आने वाले चॉपिंग बोर्ड रख सकते हैं, स्पैचुला रख सकते हैं, एक आपकी छोटी सी जो बास्केट है उसके अंदर आपने जितने भी आपके किचन टॉवल है उन्हें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं, और नीचे आप रख सकते हैं अपने मसालेदानी। तो इस तरीके की रैक को यूज़ करके आप अपने किचन की काउंटर टॉप की बहुत सारी स्पेस को अच्छे से यूज़ कर पाएंगे और सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। समर सीजन में हमें रखनी होती हैं बहुत सारी वाटर बॉटल भर के, या फिर बच्चों को भी हमें वाटर बॉटल भर के ही देनी पड़ती हैं अगर छोटे बच्चे हैं, तो इस तरीके की जो मेटल बास्केट हैं आप उन्हें ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही देखने में क्लासिक लगती हैं, तो किचन में डेकोर का भी काम करेंगी और साथ में आपका जो ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस है उसे भी सॉल्व करेंगी। इसके अंदर मैंने पानी से रिलेटेड सारी चीज़ें रख दी हैं, चाहे वो बॉटल हो या फिर वो जग हो, उसको आप आराम से डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस बास्केट को किस तरीके से यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद आती हैं ऐसी छोटी छोटी सी हैंगिंग बास्केट। तो अगर आपका भी किचन छोटा है, आपको बहुत सारा सामान रखने में दिक्कत होती है, तो ये वाली जो बास्केट है ये उसके लिए बेस्ट है। आप इसके अंदर छोटे छोटे कपड़े रख सकते हैं, लाइटर रख सकते हैं, छोटी छोटी सी फूड क्लिप्स होती हैं उन्हें इनके अंदर ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो किचन के ऐसे छोटे छोटे से आइटम जो मिसप्लेस हो जाते हैं आप इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो कप होल्डर है ये आज तक का मेरा बेस्ट परचेज है। अगर मैं आपके साथ शेयर करूं कि अगर आपको वॉल की स्पेस को कैसे यूज़ करना है, तो आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। एक बार में आप इसमें 10 कप आराम से हैंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज की वीडियो को देखने के बाद ना आपको बहुत सारे आइडियाज मिले होंगे कि कैसे आप अपने छोटे से किचन को ना आराम से बड़ा बना सकते हैं, कैसे आप लोग इसके अंदर सामान को आराम से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई थी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में अमेजिंग आइडियाज के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। विद लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम दैट मस्टर्ड ट्रंक, टेक केयर एंड बाय बाय।